हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा अपन एक्सरसाइज 3 कर रहे थे, थर्ड की 3.3 पार्ट, वो लास्ट दो क्वेश्चन बचे हैं उनको मैं करा देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लास 11th है ना, एक्सरसाइज 3.3। देखो भाई, एक दो क्वेश्चन बच गए थे इसमें। क्वेश्चन नंबर 22 एक तो था जो कि थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है, कोट एक्स इंटू कोट 2x माइनस कोट 2x इंटू कोट 3x माइनस कोट 3x इंटू कोट एक्स इक्वल टू 1। ओके, देखो इनको भी आप लोग। ऐसे मानने की बात, जैसे मैं आपसे कहता हूँ भाई कोट एक्स प्लस टू एक्स कोट ए प्लस बी, तो आपकी सर कोट ए कोट बी माइनस 1 अपॉन कोट ए प्लस कोट बी या कोट बी प्लस कोट ए है ना। ऐसा लिख सकते हैं भाई, कोट एक्स प्लस टू एक्स यानी ए प्लस बी कोट ए प्लस कोट बी माइनस 1 अपॉन कोट ए प्लस कोट बी, आई एम राइट? ठीक है, तो ये बटा क्या लिखा हुआ, कोट थ्री एक्स लिखा हुआ है। मैंने कोट थ्री एक्स को क्या लिखा है ऐसे, ठीक है भाई, एक्स प्लस टू एक्स कोट थ्री एक्स। ये इस क्वेश्चन करने का सबसे आसान तरीका यही है। ओके, आप कहेंगे सर ये दिमाग में कैसे आएगी बात, किसी के भी नहीं आती भाई, जब तक क्वेश्चन को एक बार कर नहीं लेते हो तब तक नहीं आएगी। ऐसा ही एग्जाम्पल भी आपका 10 के फॉर्म में, ठीक है, एग्जाम्पल देना वो भी देखेगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो बेटा कोट एक्स इंटू कोट थ्री एक्स प्लस कोट टू एक्स इंटू कोट थ्री एक्स इक्वल टू कोट एक्स कोट टू एक्स माइनस 1। ठीक है, तो देखो अगर इसको पॉजिटिव, इन दो को उधर ले जाता हूँ और उसको उधर ले आऊँ, वन को इधर ले आऊँ, तो ये बनेगा कोट एक्स कोट टू एक्स, ये माइनस में जाएगा कोट एक्स इंटू कोट थ्री एक्स और माइनस कोट टू एक्स इंटू कोट थ्री एक्स इक्वल टू 1, हेंस प्रूफ। ठीक है, तो कोट क्वेश्चन नंबर 22 आपका, इसमें थोड़ी सी ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी है ना, जब तक ऐसे क्वेश्चन को करोगे ये बात क्लिक नहीं करने वाली आपके दिमाग में। ठीक है, चलो बेटा क्वेश्चन नंबर एक लास्ट बचा हुआ था शायद 25 है ना, 25 और देखिए नोट कर लीजिए फटाफट इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। कोस 6x इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 25, कोस 6 इक्वल टू लिखा हुआ है कोस 32 कोस की पावर 6x माइनस 48 कोस की पावर 4x प्लस 18 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है भाई, देखो आप बेटा LHS लिया अपन ने, कोस 6x, दो तरीके हैं करने के, एक तो मैंने इसको लिखा तुम कोस 3 इंटू 2x, ओके, एक है कोस 2 इंटू 3x। तो यहाँ से अगर इसको थीटा मानोगे तो कोस 2 थीटा का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, अगर यहाँ पर इसको थीटा मानोगे तो कोस 3 थीटा का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं 3 वाले से कर रहा हूँ। ओके बेटा, इसको मैंने पूरे को क्या मान लिया, थीटा मान लिया, कोस 3 थीटा लिखा हुआ है, तो कोस 4 कोस क्यूब थीटा, थीटा का मतलब 2x, ओके, माइनस 3 कोस थीटा यानी 2x। ओके, आगे सोल्व किया इसको, यानी कोस 6x इक्वल टू, ये तो ब्रैकेट 6 ही लिखा हुआ भाई, 4 इंटू कोस 2x का फॉर्मूला कोस की फॉर्म में, तो 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1
का होल क्यूब माइनस थ्री इंटू ये टू कोस स्क्वायर एक्स माइनस वन। ब्रैकेट खोली देखो, कोस टू एक्स का फॉर्मूला कोस की फॉर्म में, टू कोस स्क्वायर एक्स माइनस वन होता है, उसका होल क्यूब है ठीक है। तो फोर इंटू टू कोस स्क्वायर एक्स का क्यूब करोगे दे एट कोस की पावर सिक्स एक्स, फिर माइनस वन आएगा बेटा, वन का क्यूब वन आएगा, फिर माइनस थ्री ए स्क्वायर, ए का मतलब फोर कोस की पावर फोर एक्स, ए स्क्वायर मतलब फोर कोस स्क्वायर एक्स, और इंटू बी, बी का मतलब वन है ओके। फिर प्लस थ्री ए, ए का मतलब टू कोस स्क्वायर एक्स इंटू बी स्क्वायर वन के, ये बनेगा माइनस, इसको खोल दिया आपने तो माइनस के थ्री सिक्स कोस स्क्वायर एक्स प्लस थ्री ओके। ये ब्रैकेट खोलो, एट फोर जो थर्टी टू कोस की पावर सिक्स एक्स माइनस फोर, फोर थ्री जा ट्वेल्व, ट्वेल्व फोर जा फोर्टी एट कोस की पावर फोर एक्स प्लस थर्टी टू कोस स्क्वायर एक्स, थर्टी टू इंटू फोर, थर्टी टू इंटू, थर्टी टू कहाँ से आएगा सॉरी, थ्री इंटू टू सिक्स आएगा यहाँ पर, ये भैया थ्री इंटू ए तो थ्री इंटू टू सिक्स, तो सिक्स इंटू फोर ट्वेंटी फोर को स्क्वायर एक्स, बस ये आंसर माइनस सिक्स को सी स्क्वायर एक्स प्लस थ्री। देखो अब सिक्स की पावर तो थर्टी टू है तो ये सेम रहेगी, फोर कितनी पावर है सिर्फ माइनस फोर्टी एट है कोस की पावर फोर एक्स, ट्वेंटी फोर प्लस के माइनस के सिक्स हैं तो प्लस के एट्टीन कोस स्क्वायर एक्स माइनस फोर माइनस प्लस थ्री माइनस वन ठीक है, यही प्रूव करना है हमें ओके। बात समझ में आई क्या भाई सबको ओके बेटा, तो ये आपके ट्रिग्नोमेट्री की कहानी ख़त्म। अच्छा जो टेस्ट में आपके क्या आएगा, एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट दूंगा भाई टेस्ट में ओके। सिलेबस जल्दी मैं आपके अपलोड करने वाला हूँ, आज कल आज तीन होगी ना, आज कर देंगे शाम को ओके। चलिए अब स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर फिफ्थ कि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे ठीक है। एक बार अभी नोट कर लो फिर देखना एक मिनट। देखो भाई तो नेक्स्ट चैप्टर आपका क्वेश्चन साइज फिफ्थ जो है ना कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको करेंगे बेटा ओके। कॉम्प्लेक्स नंबर समझना आप लोग कैसे कैसे क्या करना है, कुछ चीज़ें हटाई गई हैं इसमें से वो बता दूंगा, पोलर फॉर्म वगैरह हटाई गई हैं ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब क्या है, जैसे मैं कहता हूँ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो अपने सर एक्स की वैल्यू जो बनेगी ना वो प्लस माइनस सिक्स बन जाएगी ओके। ऐसे को एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 16 तो बताओ वैल्यू एक्स ऑफ एक्स, तो प्लस माइनस फोर नहीं कर सकते हम इसको ठीक है, यानी एक्स की जो वैल्यू बनेगी बेटा रूट ऑफ माइनस 16 बनेगी ठीक है। तो ये रूट माइनस 16 तो डिफाइंड ही नहीं है, रूट के अंदर कभी भी माइनस 16 डिफाइंड नहीं है, परिभाषित ही नहीं है, अनडिफाइंड फॉर्म है ठीक है। तो अब ये दिक्कत किसके कारण आई, दिक्कत आई इस माइनसिंग के कारण, अगर ये माइनस साइन नहीं होता तो रूट 16 की वैल्यू क्या बन जाती, 4 बन जाती ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए इन्होंने क्या किया, रूट 16 को ऐसे लिख दिया 16 इंटू रूट माइनस वन ठीक है। तो इसकी वजह क्या बन गई, 4 बन गई और रूट माइनस वन ठीक है। और इस रूट माइनस वन को एक इमेजिनरी नंबर बोला गया आयोटा ठीक है, एक इमेजिनरी नाम दे दिया गया, उसका नाम बोला गया आयोटा ओके ठीक है भाई। ऐसे बोल देंगे x इक्वल टू प्लस माइनस 4 आयोटा ठीक है। इस रूट माइनस वन की वजह बोली गई आयोटा, आई स्मॉल आई से डिनोट करते हैं आयोटा को ओके। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक इमेजिनरी नंबर, इसका रियलिटी में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, मतलब वास्तविकता में कोई यहाँ पर ये नंबर नहीं होता है, ये सिर्फ काल्पनिक है ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्याएं, बिल्कुल एक काल्पनिक नंबर है, कल्पना कर लेगी भाई रूट माइनस वन को हम आयोटा कह देंगे ओके, वो भी सिर्फ इनके सॉल्यूशंस को डिफेंड करने के लिए, आई बात समझ में। तो यहाँ से आयोटा के बारे में कुछ बातें हैं तो वो मैं बता देता हूँ, एक बार ये नोट करो, नोट करना चाहो तो
क्यों ऐसा परिभाषित किया गया है। सम्मिश्र संख्या जो वास्तविक परिभाषा है, जेड इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जेड जनरली जेड से डिनोट करते हैं और ये इस फॉर्म में होते हैं, ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में, वेयर ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड आयोटा इक्वल टू रूट माइनस वन। कोई भी संख्या जो इस रूप की होगी, एनी नंबर विच इज इन दिस फॉर्म इज कॉल्ड ए कॉम्प्लेक्स नंबर, जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, वेयर ए एंड बी आर बिलोंग्स टू रियल नंबर। ए और बी तो क्या है, एक रियल नंबर है, ए का मान 3 होगा, बी का मान 5 होगा और आयोटा क्या है, रूट माइनस वन। ओके, तो दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर, नोट कर लो इसको एक बार ना। ऐसी संख्याएं जो ए प्लस आयोटा बी के रूप की होती हैं उन्हें सम्मिश्र संख्याएं कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। ओके चलिए बेटा, चलो इसको नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे पूरा डिटेल से, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं। आज की क्लास में आपको इतना ही रखते हैं। ओके, आपका सिलेबस जल्दी हो जाएगा, टेंशन मत लेना चीज़ की, और आपको मैं सिलेबस जो टेस्ट का सिलेबस है वो भी बताऊंगा। ओके, आप लोग पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, डेली डेली वीडियो को देख के चीज़ों को एनालाइज करिए और फिर डाउट क्लास में चीज़ें पूछ लेना, ठीक है। अब डाउट क्लास भी रखेंगे आपकी जो भी गूगल मीट वगैरह पे। ओके बेटा, तो ओके चलिए, बाय, टेक केयर।